तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ टिप्स में। तो आज के दिन राजस्थान पुलिस में जो जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ एक मुझे मिले हैं विद्यार्थियों के द्वारा, तो आइए इन्हें हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, घोघा मेडी कहाँ स्थित है? तो घोघा मेडी हनुमानगढ़ का एक बिल्लू गाँव है, वहां पर स्थित है। तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और घोघा मेडी से रिलेटेड में आपको धुरमेडी और शीर्ष मेडी, ये दो है, ठीक है। घोघा जी का जहां पर सिर गिरा था उसे शीर्ष मेडी, और जहां पर धड़ गिरा था उसे धुरमेडी कहते हैं, ठीक है। इसे रिलेटेड आप अध्ययन कर ले, शायद पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिपाड़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, ठीक है, यानी जोधपुर। गिरी सुमेर युद्ध कब लड़ा गया? तो 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया यह युद्ध, ठीक है। अंत्योदय योजना कब शुरू की गई या कब शुरू हुई? तो 2000 में। मारवाड़ का भुल्ला मिश्र राजा ये थे राव चंद्र सेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोनारगढ़ किले का दूसरा नाम, ठीक है, तो यह जैसलमेर का किला है, सोनारगढ़ दुर्ग। छेड़छाड़ वाले देवता कौन से हैं? तो ये इलोजी हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है पहले भी एग्जाम में, तो क्वेश्चन कुछ एक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं शिफ्टों में उन्हें आप तैयार कर लें। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम को यदि हम सीधे रखें तो यह आग पकड़ लेता है, इस कारण से इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। इलोजी वाला पहले से हो ही चुका है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की, ठीक है। जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों अकोला एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहां की जाजम छपाई प्रसिद्ध है। आईएलओ की फुल फॉर्म क्या है? तो आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खानवा किस जिले में है? भरतपुर, ठीक है। और जो खानवा का युद्ध है वह 1527 में हुआ था बाबर व राणा सांगा के मध्य, और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इनको भी आप ध्यान से देख लें। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली। मेहंदी के वो जो पाउच आते हैं उन पर लिखा होता है सोजत पाली मेहंदी, ठीक है। तो जरूर दोस्तों, भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया? तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 6। हरियाणा के साथ राजस्थान की 7 जिलों की सीमा लगती है, तो कौन से जिले की सीमा नहीं लगती है? धौलपुर की, क्योंकि धौलपुर की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। ग्राम पंचायत कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होती है? तो ग्राम पंचायत पंच यानी 5, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। कल पूछा था ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन काफी कुछ पूछे जा रहे हैं। 2014 की पशु गणना के आधार पर कुल पशुओं की संख्या तो 5.7 करोड़ है। ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाली झारखंड की पहली, यहाँ पर था पहली महिला, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सुमराई टेपटे। तिरंगा में अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो यह धर्म का प्रतीक है। बालाथल सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में है। हड़प्पा सभ्यता इधर हनुमानगढ़ में है, सॉरी सॉरी सिंधु वो कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, हड़प्पा सभ्यता तो वैसे पाकिस्तान में है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो ये है गंगानगर। मीठे सागर दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों अजमेर में, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे जैसे कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपकी सेवा फिर से हाजिर रहूंगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।